Hello and welcome to our channel. My name is Karthik and in this video, we are going to talk about the versatility of anyday dishware. It is famous for cooking in microwave, reheating food without any spatter because of the lid. Now, at the same time, when you're cooking in your kitchen, you might be preparing some of the things and you require to boil vegetables. इसके साथ में आप मसाला भून रहे हैं, आप आटा गूंध रहे हैं और कुछ चीज़ें कर रही हैं तो साथ के साथ में माइक्रोवेव के अंदर जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने मटर जो है उसको उबाला और ये कम से कम पानी के अंदर हो सकता है यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड यू कैन स्टिल गेट दिस बॉयल इन द स्टीम एंड एट द सेम टाइम हमने इसके अंदर आलू भी बनाए हैं और हमने अंडे भी उबाले हैं। इनका टाइम जो है क्विक हो जाता है, आपका खाना जो है बढ़िया बनता है एंड देन आई विल शो यू कि मटर कितना बढ़िया पका है और आलू कितना बढ़िया पका है। सो आई जस्ट शोड यू कैसे हम लोगों ने मटर और आलू और अंडे उबाले इसके अंदर। वॉट मेक्स इट डिफरेंट, जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं रेगुलर किचन के अंदर, यू यूज़ वाटर, ठीक है, आप उसके अंदर पानी डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे, स्टीम बनेगा, फिर वो आप पानी को फेंकना पड़ेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। सब्जियाँ जो हैं गोभी मटर आलू ऐसी सब्जियाँ, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माइक्रोवेव कुकिंग इज़ कि वो अपने ही मॉइस्चर के अंदर जो है वो पक जाते हैं और बहुत ही न्यूट्रिएंट जो है उसका वैल्यू भी रहता है और साथ में टेस्ट भी रहता है। व्हाट मेक्स इट पॉसिबल, बोरोसिलिकेट ग्लास, हाई क्वालिटी बोरोसिलिकेट ग्लास कैन बी पुट इनटू माइक्रोवेव अवन एंड यू कैन सी इट इज़ फ्रॉस्टेड, वेरी इजी टू होल्ड एंड स्पेशल थिंग इज द लिड। लिड जनरली व्हाट यू गेट इन द मार्केट, ये प्लास्टिक का आपको मिलता है, यहाँ पर हमने ग्लास का इस्तेमाल करा है। व्हाट यू गेट इन द मार्केट एयर टाइट आपको मिलते हैं, आपको वो क्लिप लगानी पड़ती है या फिर आपको फिल्म चढ़ानी पड़ती है जो कि इस पर्टिकुलर डिशवेयर में आपको नहीं करना पड़ेगा। एक आपको बहुत सॉलिड लिड मिलता है दैट यू कैन कवर, इट बिकम्स एयर टाइट, यहाँ से इसको लीक नहीं होता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड देन एट द सेम टाइम ये जो नॉब है, कुकिंग करते समय आप इस नॉब को उठाएंगे और जब आप बाहर निकालेंगे स्टोर करेंगे तो आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, आप इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू वर्क एज कुक एंड सर्व एट द सेम टाइम। समटाइम्स मैं इसको यूज़ करता हूँ और मैं इसमें ही खाना भी खा लेता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट ये स्टील का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको वेट देता है, इसको प्रेस करने में हेल्प करता है ताकि स्टीम के अंदर जो है खाना पके एंड दैट कुक्स क्विकली एंड इट इज़ ऑल्सो डिलिशियस एट द सेम टाइम एंड हेल्दी टू। यहाँ पर लोग पूछते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील का रिम है वो माइक्रोवेव के अंदर जा सकता है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर मेटल्स नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न होता है, बट द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइन दिस कैन ईजिली बी पुट इन टू अ माइक्रोवेव और ईजिली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव कुकिंग इज़ बेटर कुकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, वो आपको बेटर जो है न्यूट्रिएंट क्वालिटी देता है और ये चीज़ हम पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जो आर्टिकल्स हैं जिन्होंने स्टडी करी है वो ये चीज़ हमको बताते हैं। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, वी सेड वी प्रिपेयर्ड इसके अंदर मटर, हमने आलू बनाए, हमने अंडे उबाले, सो एट द सेम टाइम पैरेलल कुकिंग के बारे में बात करते हैं। सो व्हाइल यू आर नीडिंग योर डो, आप आटा गूंद रहे हैं, अपना सैलेड कर रहे हैं, अपनी वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हैं, आप मसाले को भून रहे हैं, इतने समय के अंदर आप पैरेलली जो है मटर को अपने रख दिए, आप कोई और सब्जी रख सकते हैं, इसकी जगह आपके पास गाजर हो सकता है, ब्रोकली हो सकता है, आपके अलग लेटेस्ट सब्जी हो सकती है, कुछ भी आप जो भी आपको फट से आपको बॉईल करना है वो आप कर सकते हैं। आपके आलू जो है वो सब्जियों के अंदर डलते हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि आलू हल्का सा रोस्ट हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एग करी बनते हैं, अंडे के सैंडविचेस बनते हैं एंड ऑल दैट यू कैन डू
इन माइक्रोवेव प्रीटी इजीली. सो लेट मी शो यू दिस टू यू. हमने इसके अंदर मटर बनाए थे, ये देखिए इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल बहुत कम करा था, बिल्कुल मिनिमल. और यहाँ आप देख रहे हैं मटर, और ये देखिए कितना बढ़िया मटर जो है वो पका है आपका. मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना बढ़िया मटर पका है. एंड देन मैं आपको अब आलू दिखाऊंगा. आप ये देख रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट साइज भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप देख लीजिए क्वांटिटी के हिसाब से, यू कैन पिक चूज द साइज. नाउ लेट मी ओपन दिस. ये देखिए, और आलू अगर आपका अच्छे से पका होगा तो खाने में भी मजा आएगा. देखिए कितना बढ़िया जो है आलू इसके अंदर पका है. इसके अंदर हमने हल्का सा ऑयल करा था, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे. आप इसको माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे और फर्स्ट क्लास जो है आपका आलू बन जाता है. देन ऑफकोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट एग्स, एग जो है हम लोग बॉईल करते हैं उसको, किसी भी वेसल के अंदर रखते हैं, देन उसको नम पानी जो है वो उबाला आता है. वो सब मेस के हटाने के लिए आप माइक्रोवेव के अंदर यू कैन डू दिस वेरी इजीली. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उबले हुए आपको एग्स मिल जाते हैं. सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड, एनी डे इज़ अ फैंटास्टिक डिश फॉर योर किचन व्हेन इट कम्स टू पैरेलल कुकिंग. आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ के अंदर आप सब्जियां जो हैं अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, अंडे उबाल सकते हैं, स्पैडर प्रूफ जो है आप काम कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इंटैक्ट रहते हैं, और साथ के आप ये देखेंगे इसका ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, इसको आप कुक एंड सर्व भी कर सकते हैं. इसके साथ में आपको डिटेल्स, रेसिपी, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड यू कैन गो थ्रू देम व्हेन यू बाय इट. इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस टू अस. यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.